मैं गीता वर्मा, आप सभी का खोज खबर में स्वागत है। हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी। जिस तरीके से 2019 में बजट आया है, इस पर इनके क्या विचार हैं, आइए बात करते हैं अशोक अज्ञानी जी से। देखिए, आज जो कल जो बजट भारत सरकार ने अंतरिम बजट रखना चाहिए था, लेकिन वो अंतरिम बजट ना होकर के उन्होंने फुल फ्लैश एक बजट अपना रखा, जिससे कि जो सरकारें रेगुलर सरकारें जिस तरह बजट रखती हैं, अब ये अंतरिम बजट था क्योंकि अब चुनाव में जाना है 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो तब तक वो बजट देना होता था क्योंकि समय आ गया, ड्यू पीरियड है, तो इंटरिम होता है, लेकिन इन्होंने पूरा बजट दिया। खैर, एनीवे कोई बात नहीं, मगर इसमें इन्होंने जो जिस तरीके से अपने चुनावी भाषण ही करते हैं, उसी तरीके से इन्होंने ये चुनावी एक तरह का ये भाषण ही था ये जो बजट था, क्योंकि जो पुराने बजट लास्ट टाइम के जितने बजट हैं वो तमाम बजट, चाहे उसमें SC ST के जो वेलफेयर का फंड हो, चाहे वो वर्किंग वूमेन्स के वेलफेयर का फंड हो, उनके उनके काम के लिए हो, चाहे वो और किसानों के लिए हो, तो वो भी मतलब फुलफिल नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ तक कि SC ST का जो अनुसूचित जाति का जो फंड है, जो इन्होंने पिछली बार करीब 56,000 के करीब इन्होंने एलोकेट किया था, उसमें से 27,000 करोड़ खाली इन्होंने उसमें खर्चा किया, और बाकी फंड वो नहीं, 50% के बराबर फंड है जो अभी पेंडिंग था, लेकिन वो इन्होंने ख़त्म करके, और इन्होंने कहा कि जी हम 36% के करीब हमने बढ़ा दिया इस बारी, जबकि उसको जोड़ दिया जाए तो 88,000 रुपये होते हैं, 88,000 करोड़ रुपया होता है फंड जो एलोकेट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 36% बढ़ाने का नाम लेकर के तब भी वो 76,000 करोड़ के आसपास बैठ रहा है अनुसूचित जाति का। उसी तरह अनुसूचित जनजाति का जो आदिवासी हैं उनका जो फंड है, उनका फंड भी इन्होंने इसी तरीके से जो 39,000 करोड़ रुपया था उसमें 27,000 करोड़ खर्च किया, टोटल 72-70% के आसपास, और उसमें भी वो पूरा क्यों नहीं खर्चा हो रहा है, इतना तकलीफ में है SC ST, पूरे देश में बेरोजगारी है, उनके यहाँ पानी नहीं है, घर नहीं है उनके पास, हेल्थ केयर नहीं है उनके पास, एजुकेशन उनके बच्चों को नहीं मिल रही है, तो आप क्यों नहीं वो पैसा खर्चा हो रहा है, एक तो वैसे इतना कम खर्चा पैसा दिया है, जबकि ये जो बजट है, इस साल का बजट है, ये 27,000 करोड़ और 84,000 करोड़ का ये बजट है, 27,84,000 करोड़ का बजट टोटल इन्होंने एलोकेट किया है 2019-20 के लिए, तो उसमें जो स्पेशल अनुसूचित जाति जनजाति का स्पेशल कंपोनेंट का जो प्लान का पैसा है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। अगर 2000 की जनसंख्या, 2011 की सेंसेक्स ले लें, जनसंख्या पॉपुलेशन काउंट को ले लें, तो उसके आधार पे भी 16.5% है, तो वो अमाउंट तो ज्यादा 4.5-5 लाख 5 लाख करोड़ रुपया बनता है। खैर, एनीवे, उधर दूसरा महिलाएं, 50% महिलाएं देश में आधी आबादी है, और जो वर्किंग महिलाएं हैं उनमें 50% में भी करीब 60-70% महिलाएं जो वर्किंग है, जो काम करती हैं, और बहुत सारा तबका 30-40% महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घरों से, अपने इलाकों से दूर दराज के शहरों में जाके उनको काम करना होता है, वो अकेली अपने परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के वो काम करती हैं, तो इनको हॉस्टल्स, उनको रेजिडेंशियल हॉस्टल देने होते हैं, उनका सुरक्षा के लिए, उनके और उनके वेलफेयर के लिए पैसा खर्चा करना होता है, तो आधी आबादी को इन्होंने 450-450,000 करोड़ रुपया खाली दिया है, उसमें कैसे उन महिलाओं को पूरे सबको रेजिडेंस मिलेगा, सबको उनको हेल्थ केयर मिलेगा, सबको उनको सुरक्षा मिलेगी, तो ये खाली मजाक है। उधर उन्होंने फार्मर्स को, उन्होंने कहा जी हम 6,000 रुपया आपको साल का देंगे, जबकि महीने का इनको देना चाहिए, क्योंकि उनको एक जो जो फार्मर्स हैं उनके पास फाइनेंशियल कोई आमदनी नहीं है मंथली उसमें, तो इनको 500 रुपये महीना दे रहे हैं एक परिवार को, अगर ये 5,000-6,000 रुपये महीना एक फिक्स अमाउंट दें और उधर वो काम करें अपना उसमें, तो देश का भी वो अच्छे से विकास होगा, क्योंकि हमारे पास अगर हमारा अनाज होगा, हमारे पास भारत के पास हमारे पास सब्जियां होंगी, हमारे पास दाल होंगी, तो हम पूरी दुनिया को उससे बेच करके हम कमा सकते हैं। उल्टा हमारा जब किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके पास उसकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल रहा है, वो बिजली इतनी महंगी हो गई है वहां पर, यूरिया इतना महंगा हो गया, बीज इतने महंगे हो गए, और उसके बाद जो उसको जो बोने जोतने के लिए जो साधन है, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, डीजल हैं, उसके सिंचाई के लिए जो वो चलते हैं, उनके जो पानी भरने के लिए ट्यूबवेल चलती हैं, उसका बिजली का बिल, आदमियों का खर्चा, उसमें सारी चीजें लगा करके वो उनको बराबर भी नहीं पड़ रहा है,
उनके रेट भी पूरे नहीं मिल रहे किसानों के, और आप 500 रुपया महीना उनको एडिशनल दे करके आप कौन सा एहसान कर रहे हैं। तो ये एक गुमराह करने वाला एक चुनावी बजट है, और इन्होंने चुनाव के उससे किया है। उधर 5 लाख रुपया उन्होंने कर दिया कि जो सैलरीड है 2.5 लाख से 5 लाख रुपया इनकम टैक्स में छूट के नाम पर। तो जब आपने जनरल वो आपने किया 10% रिजर्वेशन, वहां पे आपने 8 लाख की वो सीलिंग लगाई है कि 8 लाख के आदमी को आपने गरीबी रेखा माना है, तो आप 8 लाख तक तो कम एटलीस्ट करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आ पाए। और दूसरी बात ये, आपने वर्कर्स को आपने ग्रेजुटी तो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख की उसको लिमिट को तोड़ के कर दिया, मगर वो ग्रेजुटी में वो 6,000-10,000 रुपए कमाने वाला ठेके पे वर्कर, उसको तो 2 लाख-1 लाख रुपए भी उसकी, लाख भी छोड़ो 20-25 हजार रुपया आजकल ग्रेजुटी हो गई है, क्योंकि वो ग्रेजुटी भी क्या 1 साल पूरा ही नहीं होने देते, जबकि ग्रेजुटी के लिए जो एलिजिबिलिटी है 5 साल लगातार एक संस्थान में काम करना चाहिए। और इस देश का आज बहुमत जो 99-95% वर्कर जो काम कर रहा है ठेके पे, तो ये जो संस्थाएं हैं वो हर 1 साल में ठेकेदार बदल देती हैं। उसका कारण ये है कि उनको ग्रेजुटी ना देनी पड़े। और उधर प्रोविडेंट फंड में कह रहे हैं जी, बहुत सारा प्रोविडेंट फंड में इन्होंने वो किया है कि जो पिछले 2-3 साल में जो प्रोविडेंट फंड में जो नए सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो उनको इन्होंने रोजगार से जोड़ दिया, जबकि हुआ ये था कि जितने ठेकेदार थे वो अपना अकाउंट नहीं खोलते थे, तो इन्होंने जो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कर थे जिनको पीएफ नहीं दिया जा रहा था उन्हीं वर्कर्स के वहां पर नाम चढ़े हैं। और इधर इन्होंने एक सेंसर का एक डाटा आया है कि रोजगार को लेकर के परसों पूरा हल्ला हो रहा है कि 40 साल में जितनी बेरोजगारी अभी हुई है इस साल हुई है कभी नहीं हुई। तो ये सरकार ने ना तो रोजगार के लिए कुछ किया, ना महंगाई कम करने के लिए कुछ किया, और इसने वर्कर्स को कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं पूरे राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों की। तो जो नौजवान है हमारे उनको नौकरियों के सरकारी नौकरियों के रास्ते खोलने की कोई बात नहीं की इन्होंने। इन्होंने ठेकेदारी खत्म करके जो प्राइवेट सेक्टर में असंगठित क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करने की बात नहीं की है। इन्होंने किसी भी तरह जो उसमें काम कर रहा है असंगठित क्षेत्र में मेजोरिटी वर्कर जो काम कर रहा है तो उनको उनको सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी देने की इन्होंने कोई बात नहीं की है, ना उसमें कोई इजाफा किया है। तो एक कुल मिलाकर के एक तो चुनावी बजट है क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं होगा किसी भी हालत में, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उदाहरण सामने है जब आप अनुसूचित जाति का जो 54,000 रुपया करोड़ रुपया जो पैसा है उसमें से आधा भी नहीं खर्च कर पाए आप, उनको नहीं दे पाए, तो फिर आप इन सब चीजों को कैसे लागू करोगे। तो इसको लगा करके बजट टोटल जो है एक चुनावी जुमला है। कल जो पार्लियामेंट का जो वहाँ का जो प्लेटफार्म है उसको इस मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने एक चुनावी भाषण के रूप में, एक चुनावी अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल गलत है, बेहद गलत है, इस देश के संविधान के विरुद्ध है। अब आने वाला देखना है कि चुनाव में किस तरीके से उसको करेंगे, क्योंकि हम ये समझते थे कि इस बजट में जो इंट्रीम बजट है, पहली बात तो इससे ज्यादा उम्मीदें रखनी ठीक नहीं थी किसी को भी, क्योंकि इंट्रीम बजट है, ये लागू जब होगा जब नई सरकार बनेगी, और अभी ये पहले, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से करा है। तो हम इस बजट का तो एक तरह से हम इसको कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है, और अनुसूचित जाति जनजाति के साथ धोखा है, महिलाओं के साथ धोखा है, और सबसे बड़ी बात देखो जो सबसे कमजोर पक्ष है किन्नर, जो तीसरी आबादी है, जो पुरुष स्त्री पुरुष और उसके अलावा किन्नर जो एक मेन वर्ग है उसको किसी भी सरकार ने कुछ नहीं दिया। हमने मांग की थी दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस ने कि किन्नर विकास बोर्ड बनाया जाए और उसमें 1 लाख करोड़ का फंड एलोकेट किया जाए और उससे उनका रोजगार, उनकी शिक्षा, ये सब चीजें चलाई जाएं, उनको पेंशन, उनका रिहैबिलिटेशन, क्योंकि उनके तो बच्चे भी नहीं होते। और हमारा जो समाज है ज्यादातर जो परिवार हैं अपने बच्चों पर डिपेंड होते हैं कि उनके बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप की देखभाल करते हैं, अधिकतर ऐसे ही होता है। तो जो किन्नर हैं उन तो बच्चे भी नहीं उनको हो सकते, तो वो जब बच्चे नहीं हो सकते तो उनकी देखभाल तो सरकार का जिम्मा होना चाहिए। तो किसी तरीके से उस इतने बड़े वर्ग को इन्होंने उपेक्षित किया है, देखा नहीं है, हमारी डिमांड करने के बावजूद भी नहीं देखा। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बजट है पूरी तरह से एक चुनावी चुनावी भाषण था और उसके अलावा कुछ नहीं है, देश को गुमराह करने वाला बजट है। और हम इस देश की जनता से कहना चाहते हैं
कि भैया इस बजट पे ध्यान ना दें, आने वाली सरकार को ऐसी सरकार चुने जो कि इस देश के सबसे कमजोर तबके जो हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, इस देश का वर्किंग क्लास, इस देश के जो किन्नर हैं, इस देश के सेक्स वर्कर्स हैं, जो सबसे दबे कुचले हैं और जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और इस देश को बना के रखते हैं, इस देश के लिए काम करते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इस देश का जो कमजोर किसान है, जिसके पास खेती नहीं है, अच्छा किसानों में कुछ जो जिनके पास जमीन है उनको तो दे दिया, जो लोग भूमिहीन है और जो उन खेतों में काम करते हैं, मजदूर हैं, उनको कुछ नहीं दिया, उनको तो 500 रुपए भी नहीं दिए। तो जो बहुमत है वहां पर, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको तो आप कुछ नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से जो उपेक्षित जो समाज है, उसको दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस अपील कर रही है कि भाई इस बार एक नई सरकार बनाओ, ऐसी सरकार बनाओ जो हर वर्ग के लिए काम करे और इस देश की उन्नति और शक्ति के लिए काम करे। ये हमारा कहना है।